नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिंटू कुमार और मैं इस समय नारायणपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणपुर में इस समय मौजूद हूं। जी हां, सुबह हमने एक कवरेज की थी सुविधाओं के नाम पर टोटा नारायणपुर सीएससी में, इस तरीके का उसका शीर्षक था। मैं इस समय नारायणपुर सीएससी में इस समय मौजूद हूँ। उसमें सबसे जो बड़ी समस्या जो आ रही थी वो पंखों की समस्या, यहाँ के जो मरीज थे, यहाँ जो मरीज जो दिखाने के लिए आए थे उन्होंने पंखों की समस्या बताई थी और पंखे वगैरह उस समय नहीं चल रहे थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि खबर प्रकाशन के बाद में सीएससी की जो टीम है, यहाँ के जो चिकित्सक हैं, प्रभारी है, वो हरकत में आए और सीएससी में इस समय पंखे वगैरह जो नए पंखे लगे हैं वो इस समय लग गए और काफ़ी तेज़ी से ये पंखे चल रहे हैं। हमने देखा ये बहुत तेज़ी से काम हुआ है। ओरेंट कंपनी के पंखे हैं, जितने भी पंखे, अगर जो पुरुष वार्ड है उस पुरुष वार्ड में भी पंखे वगैरह खराब थे उसमें भी नए पंखे लगा दिए गए हैं। जैसे हमने अभी सीएससी में जो देखा है, करीब 8 से 9 पंखे जो नए हैं वो सीएससी की टीम के द्वारा इस समय लगाए गए हैं, सीएससी प्रभारी के द्वारा इस समय अस्पताल में लगाए गए हैं और काफ़ी सुधार भी इन्होंने व्यवस्थाओं में की है। और जिस तरीके से सीएससी प्रभारी से हम मिले हैं, जिन मरीजों ने जो बाइट हमको दी थी उसके बाइट के मुताबिक उन्होंने उनका जो रिकॉर्ड है, कौन मरीज कितने बजे आया और कितने बजे जा रहा है, वो पूरा टोटल रिकॉर्ड हमको अभी जो सीएससी प्रभारी सुरेश कुमार मीणा है उन्होंने हमको बताया है। हमारे साथ एक अंकल हैं, वो सीएससी में इससे आए हुए हैं। अंकल जी, आज हमारे द्वारा जो खबर प्रकाशित की गई थी उसके बाद पंखे वगैरह लगेंगे, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? इसके लिए हम आपको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहते हैं पत्रकार साहब को। और ये सीएससी का मामला नहीं है, बिजली विभाग का हो, पानी विभाग का हो, सबसे पहले आपका ये चैनल है, ये काम करता है। उस समस्या का समाधान 12 घंटे नहीं 6 घंटे में हो जाता है। आज जो आपने समस्या सुनी, 10 किलोमीटर क्षेत्र का यहाँ मरीज आता है, मरीजों की समस्या है तो उन पर तुरंत अमल हुआ। कहीं से भी हमारे इंचार्ज साहब ने इंतजाम किया, सारी व्यवस्था, 11 पंखे मंगवा के उनमें से कुछ लग गए, कोई पंखा खराब होगा तो 1-2 पंखे एक्स्ट्रा रखो रखे, भविष्य में ऐसी कोई कमी आएगी आप संभालते रहो, देखते रहो, गांव की सेवा करते रहो, इसके लिए आपको बार बार धन्यवाद। ये थे अंकल सुरेंद्र कुमार मीणा, कैमरामैन मुरारी के साथ, मैं बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नजर।